जब भी कभी पानी के अंदर डूब जाने वाले किसी प्राचीन शहर की चर्चा आती है, तब हम भारतीय सबसे पहले श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के बारे में ही सोचते हैं, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार आज से हजारों सालों पहले पानी में डूब गई थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ द्वारिका ही पानी के अंदर डूबने वाला एक शहर था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले कई दशकों में खोजकर्ताओं द्वारा पानी के नीचे कुछ ऐसे अद्भुत शहर खोजे गए हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं पानी के नीचे मिले कुछ ऐसे ही अद्भुत शहरों के बारे में। गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। साल 2000 के दिसंबर महीने में आर्कियोलॉजिस्ट्स उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें भारत से सटे गल्फ ऑफ खंबात में एक बहुत ही प्राचीन शहर मिला। ये शहर तब मिला जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा समुद्र के अंदर सोनार की मदद से रूटीन पॉल्यूशन स्टडीज की जा रही थी। ये सोनार गुजरात के तट से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर था। तब उसने वहाँ लगभग 30 से 40 मीटर नीचे कुछ ऐसी इमेजेस को क्लिक किया जिनमें मौजूद स्ट्रक्चर्स ह्यूमन मेड लग रहे थे। इसके बाद उस जगह की छानबीन करने के लिए एक टीम तैयार की गई, जिसने स्वयं समुद्र के अंदर जाकर वहाँ पर न सिर्फ एक पूरा का पूरा शहर खोज लिया, बल्कि बहुत से टूल्स, फॉसिल्स और हड्डियाँ भी खोज निकाली। इन सभी चीजों के साथ वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा भी मिला जो कि आज से करीब 9500 साल पुराना था, जिसको देखकर सभी जानकारों का मानना है कि इस शहर में इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा करती थी, जो किसी प्राकृतिक आपदा के चलते समुद्र में डूब गई होगी। हालांकि कई लोग इन सबूतों को श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी से जोड़कर भी देखते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक द्वारिका नगरी भी गुजरात के करीब ही कहीं मौजूद थी, जिसे हजारों साल पहले समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया था। खैर, अब इसकी सच्चाई क्या है, ये तो खुद वैज्ञानिक भी नहीं जानते। पाल्वो पेट्री, पाओलो पेट्री एक बहुत ही अद्भुत और प्राचीन शहर है, जिसकी खोज साउथ ईस्टर्न पेलोपोनीज के लेकोनिया तट के करीब की गई थी। कई जानकारों द्वारा माना जाता है कि ये प्राचीन शहर 3000 से लेकर 1000 बीसी के बीच फला फूला और बाद में 1000 बीसी के आसपास एक भूकंप के चलते पानी में समा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना ज्यादा प्राचीन होने के बावजूद भी इस शहर में मौजूद इमारतों के नीचे नींव थी, साथ ही यहाँ आंगन, सड़कें और बहुत सी कब्रें भी मौजूद थी। इस शहर की खोज के बाद साल 2009 से 2013 तक इसको लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसका मकसद इस प्राचीन शहर के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करना था। इस अभियान के तहत अब तक इस शहर के अंदर 15 सेपरेट बिल्डिंग्स और 12 कमरे मिल चुके हैं। साथ ही यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी देखने को मिला है, जिसमें कैनल्स और वाटर वाइप्स भी मौजूद हैं, जो बताता है कि इस प्राचीन शहर के लोग अपने समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा उन्नत थे। अगर आप पानी के अंदर खोज करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तब ये जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसके साक्ष्य आपको 3 मीटर गहराई से ही दिख जाएंगे। बिमिनी रोड, बिमिनी रोड एक अंडरवाटर रॉक फॉर्मेशन है, जिसकी खोज 1968 में नॉर्थ बिमिनी के बहेमियन आइलैंड के तट के करीब की गई थी। इस अंडरवाटर रॉक फॉर्मेशन के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि ये प्राचीन शहर अटलांटिस का बचा हुआ सबूत है। इन बेहद लंबे और चपटे पत्थरों का पिछले कई सालों से अध्ययन किया जा रहा है, जिसके बाद ये पता चला है कि ये इंसानों द्वारा निर्मित एक सड़क है जो कि 800 मीटर लंबी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इस प्राचीन सड़क की खोज के बारे में लोगों को जानकारी लगी, तब लोग इसे अटलांटिस शहर में किसी घर की दीवार का हिस्सा मानने लगे। पर हाल ही में हुए शोध से ये पता चला है कि ये विशाल पत्थरों से बनी सड़क न तो अटलांटिस शहर का सबूत है और न ही किसी अन्य प्राचीन शहर का, क्योंकि इसमें मौजूद पत्थरों पर किसी भी तरह की काट छाट के निशान नहीं मिलते हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि शायद ये मानव निर्मित सड़क नहीं बल्कि प्राकृतिक तौर पर बनी कोई संरचना है।
खैर इस दुनिया में अभी भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि ये सड़क प्राकृतिक तौर पर बनी है, क्योंकि ये देखने में वाकई में किसी प्राचीन मानव निर्मित सड़क की तरह ही लगती है। इतना ही नहीं, अटलांटिस शहर के वजूद को मानने वाले लोग तो अभी भी इसे अटलांटिस तक जाने का रास्ता मानते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस सड़क की खोज से 30 साल पहले ही इसके खोजे जाने की भविष्यवाणी कर दी गई थी। साल 1938 में एडगार कायसे नाम के एक अमेरिकी प्रोफेट ने भविष्यवाणी की थी कि साल 1969 के आसपास बिमिनी के करीब एक ऐसी सड़क मिलेगी जो लोगों को अटलांटिस तक का मार्ग दिखाएगी। अब ये सच में एक सड़क है या फिर एक लाइमस्टोन फॉर्मेशन, ये तो अपने आप में ही एक रहस्य है। क्यूबन अंडरवाटर फॉर्मेशन। जब क्यूबा के समुद्र तट के पास एक प्राचीन शहर के सबूत खोजे गए, तब बहुत से लोगों ने इस शहर को अटलांटिस शहर से जोड़कर देखा, जो आज से करीब 11,000 साल पहले गायब हो चुका था। हालांकि सच्चाई तो ये है कि ये अटलांटिस नहीं बल्कि कोई दूसरा शहर है, क्योंकि इसमें पिरामिड सहित बहुत से अन्य ढांचे मौजूद हैं, जिन्हें आज से करीब 6,000 साल पुराना माना जाता है। इस प्राचीन शहर की खोज पॉलिना ज़ेलिट्स्की नाम की एक महिला इंजीनियर द्वारा की गई थी, जो अपने पति और बेटे के साथ इस जगह को सोनार और वीडियो टैपिंग डिवाइस की मदद से एक्सप्लोर कर रही थी। एक इंटरव्यू में पॉलिना और उनके पति पॉल ने बताया कि वो अपने आप निर्मित नहीं हुए हैं और निश्चित ही किसी इंसान ने उन्हें बनाया है। हालांकि क्यूबा समेत अमेरिका के वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के अंदर ये ढांचे अपने आप बने हैं, जिस कारण ये शहर आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है। योनागुनी मॉन्यूमेंट। 1980 में जापान के योनागुनी आइलैंड के पास समुद्र की गहराई में मौजूद चट्टान से बना एक ऐसा विशाल ढांचा खोजा गया था, जिसे देखकर हर कोई अचंभित हो गया था, क्योंकि इसे देखने पर ये मानव निर्मित लग रहा था। एक तरफ जहां दुनिया के बहुत से लोगों का मानना है कि ये किसी प्राचीन शहर के लोगों द्वारा बनाई गई एक संरचना थी जो कि जल स्तर बढ़ने से समुद्र के अंदर डूब गई, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये प्राकृतिक रूप से बनी कोई संरचना है। इस रेक्टेंगुलर ढांचे की खोज एक स्कूबा डाइवर द्वारा की गई थी, जो कि 165 फीट लंबा और करीब 65 फीट चौड़ा है, और यही वजह है कि दुनिया भर के बहुत सारे जानकार समुद्र के अंदर जाकर इसका अध्ययन करते हैं, पर आज भी कोई नहीं जानता कि आखिर ये बना कैसे। खैर, कई जानकारों के मुताबिक ये ढांचा इंसानों द्वारा बनाया गया है, जो कि पिरामिड की तरह ही है, क्योंकि इसके बहुत से हिस्सों में कुछ इस तरह से कटाई की गई है कि उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि ये अपने आप नहीं बन सकते। इतना ही नहीं, इसके आसपास बहुत से अन्य ढांचे भी मौजूद हैं, और इसी कारण से ये माना जाता है कि ये ढांचे आज से करीब 5,000 साल पुराने हैं, जो कि एक विलुप्त सभ्यता द्वारा बनाए गए थे। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।